वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बनाए जा रहे हैं घर का चाट मसाला, वो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा और 2 ही चम्मच काली मिर्च लिया है। यहाँ हमें मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल रखना है। और यहाँ 2 चम्मच मैंने काला नमक और 2 चम्मच सेंधा नमक लिया है। तो हमें जो भी मेजरमेंट लेनी है, कम या ज़्यादा, वो सब इक्वल रखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने मुझे जो हमें है जीरा को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो है जीरा को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ मैंने 2 ही चम्मच जीरा लिया है, क्योंकि मैं चाट मसाला जो है थोड़ा सा ही बना रही हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा भी हुआ है और अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता मेरे घर में। तो अच्छे से हमें इसको लो फ्लेम पे भूनना है, ताकि जीरा जो है जल ना जाए अच्छे से, पर हमें अच्छे से भूनना भी है। तो ये देखिए, आप तवे पे मैं भूनना है हमें अच्छे से, हिलाते रहना ताकि अच्छे से चारों तरफ से भून जाए और जले भी ना। तो हमें लो फ्लेम पे अच्छे से इसको भूनते रहना, ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए जब तक। बहुत ही ईजी वे है, जो बाहर का चाट मसाला होता है उससे भी बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। इनफैक्ट इसे मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया। आप चाहे तो आमचूर भी इसमें डाल सकते हो, बट मैं चाहूँगी आप अवॉइड ही करो, क्योंकि आमचूर जो है थोड़ा खट्टा होता है, तो हर चीज़ में हम नहीं डाल सकते। ये वाला जो चाट मसाला है ना, वो बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये देखिए, जो हमारा जीरा भून गया अच्छे से, ब्राउन हो गया। अब हम भूनेंगे अजवाइन को। अजवाइन को हमने ज़्यादा नहीं भूनना, इसलिए हम अलग अलग भूनेंगे, पहले जीरा फिर अजवाइन। अजवाइन को हमें थोड़ा सा ही भूनना है लो फ्लेम पे। ध्यान रखें, हमें जो भूनना है ना, इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है और अच्छे से हिलाते रहना, ताकि हर जगह से ये भून जाए। तो ये बहुत हेल्दी है। आप चाहे तो कभी, आपको हेल्दी है चाट मसाला, आप फ्रूट्स के ऊपर डाल सकते हो आमचूर, क्योंकि इसमें है नहीं। बाहर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इतना हेल्दी नहीं होता है। घर का बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी है, और बहुत इंस्टेंट बन जाता है। आपके पेट दर्द में भी लाइक इसमें सब कुछ हेल्दी चीज़ें आप देख सकते हैं। काला नमक, सेंधा नमक, अजवाइन पेट दर्द में भी काम आ जाएगा। तो मतलब आमचूर आप जाना चाहे तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, बट वही है कि सब्जियों में डालना होता है तो आमचूर अलग से भी डाल सकते हो। तो मैं तो नहीं डालती, अवॉइड करती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। देखिए, हमारी जो अजवाइन है वो भी भून गई है। हमें अजवाइन को ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस जीरा को थोड़ा जलाना है। और काली मिर्च जो है हम डायरेक्ट डालेंगे, काली मिर्च हमें नहीं भूननी है। तो 2 चम्मच ही काली मिर्च थी, जो भी क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो बस ये ध्यान रखिए क्वांटिटी हम सबकी इक्वल रखनी है। यहाँ मैंने 2-2 चम्मच लिया है। यहाँ मैंने सेंधा नमक डाला है और 2 चम्मच ही काला नमक। क्या करना है, पर इसको पीस देना, हमारा चाट मसाला तैयार हो जाएगा। और मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम अच्छे से हम मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। और कुछ भी नहीं डालना, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी भी है। इनफैक्ट फ्रूट्स के ऊपर, सैलेड के ऊपर, सब्जियों में डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी। अब हमें इसे थोड़ा सा छान लेना, ताकि सॉफ्ट एक टेक्सचर हमें चाट मसाले का मिल जाए बिल्कुल बाहर जैसे। बस यार, और कुछ नहीं है, बस बन गया इतना। 5 मिनट भी नहीं लगने हमें बनाने में, और बहुत ही टेस्टी बन जाना है। ये देखिए, हमारा जो चाट मसाला है वो हो गया तैयार, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, तो ये था हमारे चाट मसाले की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।